हेलो, माय नेम इज श्रीदेव श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। सो आज मेरे साथ हैं हितिन सर, हितिन तेजवानी को मेरे ख्याल से इंडिया में सब लोग जानते ही हैं, तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं आपके बारे में। मैं कुछ पर्सनल चीजें बताना चाहता हूँ आपके बारे में, क्योंकि आपके साथ मैंने काम किया एक फिल्म में शोरगुल में, जहाँ पे हितिन सर थे और मैं वहाँ पे चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो वहाँ पे एक इंसिडेंस था जो मुझे याद है कि एक दिन शूट पे जो इनका जो शेड्यूल था वो बीच में आया था, तो एक दिन मेकअप आर्टिस्ट बहुत खुश हो रहे थे, तो मैंने पूछा खुश क्यों इतने, तो कहते हैं कि हितिन सर आ रहे हैं। तो मैंने हितिन सर के आने में इतना भी खुश हो रहे हो, कह रहे उनके साथ में बहुत मजा आता है, तो मुझे लगा इतना कोई खुश कैसे हो सकता है मेकअप आर्टिस्ट। फिर जब आप सेट पे आए तो मैंने बहुत सारी चीजें आपके बारे में नोटिस करी कि एक तो आप एंथुजियास्टिक हो बहुत ज्यादा, दूसरा कुछ चीजें एज अ डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नोटिस करी कि जैसे आप कभी मॉनिटर की तरफ नहीं जाते थे, आपने कभी भी शॉट दिया तो आप ये नहीं घूम के मॉनिटर की तरफ जा रहे हो, जैसे बाकी एक्टर कहते ना मुझे मेरा शॉट दिखा दो, ये कर दो वो कर दो, कभी नहीं करते थे आप, डायरेक्टर ने जो बोला आप उतना ही फॉलो कर रहे हो, वो सारी चीजें हैं। तो वो कुछ चीजें मैंने नोटिस करी, दैट इज व्हाई आई रियलाइज कि आप सबको, आप सब आपको इतना पसंद क्यों करते हैं। फिर जब रैप अप पार्टी हो रही थी तो मुझे याद है कि मैं कोने में बैठा हुआ था और आप डांस कर रहे थे और आप मुझे खींच के ले गए, ठीक है, तो आई फेल्ट वेरी ऑकवर्ड कि अच्छा इतने बड़े एक्टर हैं और चीफ एडी के साथ कौन मतलब ऐसे ऐसे करता है, सबको खींच खींच के डांस करा रहे थे, सब कुछ चीजें कर रहे थे, यू आर वेरी डाउन टू अर्थ एट दैट टाइम एंड दैट्स व्हाई एवरीवन ऑन द क्रू लाइक्ड यू। सो थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन टू कमिंग ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विद यू एंड आई जस्ट वेंट थ्रू योर यू नो इंटरव्यूज, आपने जिन जिन लोगों को और इतने अच्छे अच्छे लोगों को और इतनी इतनी महान हस्तियों को मतलब हस्तियों को इंटरव्यू किया है, का इंटरव्यू लिया है, आई फील नाइस, आई फील प्राउड टू बी वन ऑफ देम एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। मुझे अच्छा लगा कि यू नो के होता क्या है कि ये सारी चीजें जो होती है ना, छोटी छोटी चीजें होती है जो बहुत कम लोग नोट करते हैं, एंड मैं यू नो आई एम लाइक दैट ओनली, आई जस्ट लाइक टू बी हैप्पी, आई लाइक टू बी पॉजिटिव every time and I go with the vision of the director basically, you know, I've come there, director ke dimag mein puri film hai aur pura faith uske upar dena bahut zaruri hai ki you know aakhir wo kya chahte hain, main us hisab se kaam karta hu aur mujhe unke you know cut bolne ke tarike se pata chal jata hai ki unhe mil gaya jo unhe chahiye tha। नहीं सर, एक्चुअली आप के साथ, आपसे पहले एक एक्टर थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने सेट में सबको बहुत परेशान किया था कि नहीं, कुछ भी बात नहीं माना था, फिर जब आप आए तो आप ना वो हवा का ठंडा झोंका होता है ना कि एवरीवन वाज एंजॉयिंग विद यू। नहीं, द होल आइडिया इज दैट ओनली दैट कि आपको अभी देखिए ऐसा होता है ना कि बात ये होती है कि उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको डायरेक्टर के ऊपर फेथ नहीं है, दोनों का जब आपको नहीं होता है तब आप ऐसे करते हो कि यू नो नहीं मुझे ऐसा करना है, नहीं मैं ये करूंगा, नहीं मैं वो करूंगा, नहीं मैं ऐसा करूंगा, नहीं मैं वैसा करूंगा, और मैं देखना चाहूंगा कि तुमने क्या बोला, मैंने क्या किया, और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को वापस एक और टेक चाहिए। नहीं, वो अच्छा है, मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप क्या कैरेक्टर कर रहे हो, आपने उसके ऊपर काम किया है, बट कभी कभी एक बहुत थिन लाइन होती है जब डायरेक्टर एक देखता है उसकी स्टोरी में, उसे पता है ये मेरा कैरेक्टर यू नो ऐसा है, बहुत सारी चीजें कर सकता है पर मेरे पास उतना सब उसका दिखाने का वो है नहीं, और अगर मैं उससे वो सब करवाऊँ या वो सब कर देता है मेरे लिए और मैं एडिटिंग टेबल पे मुझे मजबूरन वो सब काटना पड़े, तो कल को मेरे को ही आके एक्टर बोलेगा कि यार मैंने इतना कुछ किया आपके लिए, मैंने अपनी तरफ के तरफ से इतना कुछ डाला था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, आपने तो कुछ रखा ही नहीं। तो डायरेक्टर का ये होता है कि भाई मेरे इस सीन का जो मुद्दा है ये कट टू कट है, इसने इसको फोन किया, आप फोन पे बात कर रहे हैं और आपके मन में क्या चल रहा है मुझे वो दिखाना है, आपके फेस पे क्या एक्सप्रेशन है मुझे वो दिखाना है। आप हो सकता है कि यू नो आपने एक मोमेंट ले लिया जो मुझे नहीं पसंद आया, बट मैंने उसको एडिट में कट करके वापस सामने वाले के उस पे गया पॉइंट ऑफ व्यू पे और कट आपके ऊपर आ गया, तो इट इज हिज कॉल एंड इट इज हिज विजन, वी हैव टू ट्रस्ट इट, हमें उस पे फेथ रखना चाहिए, तो ही कोई चीज अच्छी बनती है और तो ही यू नो आप ऐसे काम कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि देखिए क्या होता है कि आजकल का टाइम ऐसा है, यू ऑल्सो नो कि यू नो वक्त बहुत कम है लोगों के पास, जैसे पहले होता था ना, अब वैसा नहीं होता है कि भाई पहले एक फिल्म बनती थी 6 महीना 8 महीना 1 साल 2 साल बनती रहती थी, क्योंकि लोग महीने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे काम करते थे, यू नो फिर इत्मीनान से। लेकिन अभी जो दौर है उसमें ऐसा है कि सर 15 दिन 15 दिन में फिल्म निकाली, टाटा बाय बाय, पोस्ट में आइएगा, डबिंग कीजिएगा और फिनिश, बाकी हर काम हमारा, हम पूरा करेंगे DI ये सब करके, हम जब रिलीज होगा फिर जो भी होता है वो हम आपसे बात करेंगे कि क्या करना है आपको, कैसे करना है, या जो भी आपको प्रमोशन के लिए जहाँ जाना है जो करना है, पर तब तक
उनका ये होता है कि तब तक डेफिनेटली उनका काम होता है। हमारा काम इतना है कि भैया हाँ ठीक है आपको ये चाहिए ना मैं दूंगा, हाँ ये मैं अपने स्टाइल में दूंगा, मैं अपने कैरेक्टर के दायरे में रह के दूंगा बस। और डायरेक्टर को ओके है तो परफेक्ट, कहीं हमें ऐसा लगा कि भाई सर नहीं मैंने शायद वहां पे फंबल कर दिया, एक और ले लेते सिर्फ उसके लिए, बाकी सब सही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है चेंज करने का या कुछ करने का, बस वो एक मेरे को लगता है वर्ड मैंने ठीक से बोला नहीं, और क्योंकि हमारी फिल्म शोरगुल यू नो इट वाज सिंग सॉन्ग, उसमें गुंजाइश नहीं थी कि हम कुछ, क्योंकि बहुत सारे सीन जो है ना वो सिंग साउंड ही रहे, इक्का दुक्का जगह पे कहां पे डबिंग आई मार्केट वार्केट वाले सीन में, क्योंकि वहां तो शोर यू कैन नॉट कंट्रोल, उसका मतलब किसी को दोष नहीं दे सकते कि मार्केट में आप शूट कर रहे हो तो मार्केट में साउंड आएगी आएगी आएगी, और मार्केट में अगर आप लोगों को फ्रेम में आने से रोक रहे हो तो लोगों को आवाज करने से तो नहीं रोक सकते, वो तो खड़े रह के देखेंगे आवाज करेंगे डिस्ट्रैक्ट करेंगे बस उतना ही। तो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसके पीछे इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर हम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मेहनत कर रहे हैं तो बिहाइंड द कैमरा भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पूरी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। एक और चीज मैंने देखी थी आपका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, जैसे एक शॉट मुझे याद है गाड़ी का शॉट था, उसके बाद वो ओके हो गया तो आपने कहा ओके हाँ चलो ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्टर कहते हैं एक और टेक लेते हैं, हाँ चलो एक और टेक लेते हैं, क्योंकि उससे पहले मैं कई शूट्स पे देख चुका था कि जब ओके होने के बाद किसी एक्टर को दोबारा बोला जाना है टेक करने को तो इरिटेट बहुत होते हैं, एंड यू आर प्रीटी फाइन, सो आई जस्ट वांट टू नो हाउ डू यू डेवलप दिस टेम्परामेंट, ये शुरुआत से ऐसा था आपका जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, ओवर द टाइम यू डेवलप दिस एटीट्यूड? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड क्या है ना सतीश, मैं ऐसा ही हूं, पेशेंस बहुत है मेरे, हां तो ओके बोला कभी कभी होता है डायरेक्टर को लगता है मैं एक सेफ्टी लेके रखता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि उनकी और जो डीओपी होती है उनकी आपस में तालमेल होती है, हो सकता है डीओपी बोले कि मेरे को ना एक इसने ऐसा किया है ना तो मेरे को एक दूसरा थोड़ा सा टाइट टेक ट्राई करना है, बट हम उसको ऐसे बोलेंगे कि वन मोर टेक दे, तो हमें ये जरूरी नहीं बताना कि हम यू नो एंगल थोड़ा सा अलग कर रहे हैं या हम थोड़ा कैमरा थोड़ा सा इधर उधर प्लेस कर रहे हैं, और ये सारी चीजें होती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म होल्डिंग, बेटरमेंट ऑफ द शॉट होल्डिंग, यू नेवर नो के एडिट करते वक्त उनको दोनों मिला, दोनों में से आधा यहाँ का रखा और आधा ये रखा, यू नेवर नो, तो डायरेक्टर का विजन है ओके ठीक है एक और ओके एक और नो प्रॉब्लम कर लेते हैं क्या दिक्कत, हमारे लिए अच्छा है, हाँ हमारे लिए अच्छा है, मैं शुरुआत से मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जब डायरेक्टर ओके बोलने के बाद में भी एक बोलता है तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कहीं फ्रेम में कुछ दिख गया, वो बोलेंगे थोड़ी कि पीछे कोई चल रहा था मुझे पीछे का ये अच्छा नहीं लगा मुझे ये अच्छा नहीं लगा, बाकी सब ओके है, यू नो योर एंट्री वाइज योर बॉडी लैंग्वेज वाइज योर डायलॉग वाइज सब अच्छा है मेरे को अच्छा लगा सब, एक लेके रखते हैं काटेंगे तब हमें पता चलेगा कि यू नो दो में से कोई भी एक अच्छा टेक रखेंगे, अच्छा ही दिख रहा है ना वो एंड ऑफ द डे मेरे बेटरमेंट के लिए ही है भाई, हाँ तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई ठीक है देयर हैज टू बी अ रीजन जब डायरेक्टर बोलता है ओके और उसके बाद भी उसे एक चाहिए होता है, हो सकता है उसे ऐसा लगता है कि दूसरे टेक में ना ये मुझे जो इसके साथ जो उतर के आया उसका प्रॉपर मिलेगा क्योंकि वो मुझे ठीक नहीं लगा, अब उसको पता चल गया क्या मूड में ये उतर रहा है तो वो भी वैसे उतरेगा, पता है कि नहीं डायरेक्टर सामने वाले को सबके सामने भैया आप वो देखिए कैसे उतर रहे हो आप कैसे उतर रहे हो आप तो वो दिखाई होता है, हाँ मतलब वही है ना, तो इसीलिए डायरेक्टर बोलता है एक और, अदरवाइज वो शॉट यूज कर सकता है बट बोलता है अगर बेटर मिलता है तो व्हाई नॉट, तो और उनको उतना देना चाहिए, और क्या होता है कि ये एक बात एक एक्टर को याद रखनी चाहिए कि फेथ रखे डायरेक्टर पे, और जो डायरेक्टर जो कर रहा है वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बेटरमेंट के लिए नहीं कर रहा है, वो ओवरऑल प्रोडक्ट दिखा रहा है और ओवरऑल अच्छा दिखाना चाहता है, वो सिर्फ ये नहीं चाहता है कि यू नो ये मेरा फेवरेट है तो मैं इसको अच्छा दिखाऊं या वो फेवरेट है तो उसका अच्छा दिखाऊं तो इससे और अच्छा करो, ऐसा नहीं, उसको ओवरऑल फिल्म अच्छी चाहिए, ओवरऑल देख रहा है उसका विजन है उसको मालूम है मेरी स्टोरी ऐसे जा रही है तो जस्ट ट्रस्ट हिम दैट्स इट, तो ये पेशेंस शुरू से ही है। तो आप अब शुरुआत के बारे में बताइए मुझे, कहां से आपका ग्रूमिंग हुआ, कहां से आपकी परवरिश हुई और कैसे आपका एक्टिंग में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, सर जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मैं टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से हूं और यू नो यूजुअली होता यही है कि जब लड़का पढ़ लिख लेता है
तो माँ बाप की उम्मीद होती है कि अब ये कुछ काम करेगा और यू नो घर में थोड़ी सी इनकम के लिए हेल्प हो जाएगी और अच्छे हो जाएंगे हालात। तो ऐसे ही था, उम्मीद यही थी मेरे पेरेंट्स को कि अब इसने बॉम्बे, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। अच्छा। और मेरी स्कूलिंग बोरीवली में था, मैं रहता था बोरीवली में, स्कूल है सेंट फ्रांसिस डीएससी स्कूल, हुई कॉलेज मेरा जैन कॉलेज में। उसके बाद में कॉलेज से निकल के कुलावा में ना चर्चगेट रोज जाते थे आप बोरीवली? बोरीवली से चर्चगेट, वो भी एक अच्छा वो रहा सफर रहा, मतलब हिंदी वाला सफर, इंग्लिश वाला सफर नहीं, तो अच्छा रहा वो। क्योंकि क्या है ना कि कहीं ना कहीं मुझे तो ये पता नहीं था कि मैं एक्टर बनने वाला हूँ, कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो रोज बोरीवली से चर्चगेट तक, तो आप इतने सारे लोगों को स्टडी कर सकते हो। कितने लोग होते हैं, उनका बिहेवियर, उनका यू नो बॉडी लैंग्वेज, वो कोई परेशान है, कोई खुश है, कोई साला मतलब सो रहा है, तो यू हाँ। क्या चल रहा है, यू गेट टू सी सो मेनी, मतलब आपके सामने लिविंग एग्जांपल और मतलब स्टडी मटेरियल है। अभी हाँ। रियलाइज नहीं था, नहीं होता था कि हमको आगे चल के ये काम आएगा, लेकिन वो एक बहुत अच्छा रहा मेरे हिसाब से, वो मेरे लिए एक प्लस रहा जो मैं बोरीवली से चर्चगेट कुछ ट्रैवल करता था। क्योंकि आपको कितना, हमारे बॉम्बे में ही बोलेंगे तो कम से कम मोस्टली 70% 70-80% लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो आपको 80% जनता जब आपको ट्रेन में मिल रही है, आपको इतने कैरेक्टर्स आपके सामने, तो सोचिए एज एन एक्टर आपकी कितनी बड़ी हेल्प। और मुंबई की अच्छी बात यह है कि ट्रेन में हर इंडिया के अलग अलग प्रांत से लोग मिलेंगे। मुंबई में क्या है कि आपको पंजाबी मिलेगा, मराठी मिलेगा, यूपी के मिलेंगे, साउथ के मिलेंगे, कॉस्मोपॉलिटन है, सब लोग हैं, हर फ्लेवर है। अगर सिर्फ वो है कि पता नहीं रहे ये आगे चल के हमारे ही काम आएगा, बट बड़ा मजा, सबकॉन्शियसली, हाँ सबकॉन्शियसली बड़ा मजा आता था। देखते थे लोगों को, उनका बर्ताव देखते थे, बिहेवियर देखते थे कि इन्होंने, और हम तो कॉलेज में जाते थे तो केयर फ्री थे, हमें दुनिया की कोई परवाह ही नहीं थी। क्योंकि मेरा ख्याल है कि पहले होती है स्कूल लाइफ, उसके बाद होती है कॉलेज लाइफ। कॉलेज का जो पहला जो 2-3 साल होता है ना, उसमें आप तो बेफिक्रे हो ना, आपको कोई टेंशन नहीं है, नहीं ना रेंट देना है, ना गैस का खर्चा देना, ना कुछ कुछ नहीं, आपको रोज कॉलेज आना है, रोज आपको मिलते थे 20-10 रुपए का सैंडविच मिलता था, रोज सैंडविच खाते थे और हम पास निकाल लेते थे, तो और कोई खर्चा ही नहीं, घर से आना जाना, घर से लेकर स्टेशन तक बस में जाते थे, कभी थोड़े पैसे बच के तो रिक्शा पकड़ लेते थे, रिक्शा भी तभी चीप था, लेकिन मोस्टली बस में ट्रैवल करते थे, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, मस्त आराम से लाइफ थी, फील्ड आउट लाइफ थी। कॉलेज में ही मैंने एड्स करने शुरू कर दिए थे, कॉलेज के एंड में आते आते मैंने बहुत सारे एड्स, मतलब अपना ऑडिशन देना शुरू कर दिया था, ऑडिशन भी देना शुरू कर दिया था, और लकीली मुझे एड्स भी मिले, क्लोजअप की एड की मैंने, फिर मैंने दूसरी भी 2-3 एड की, स्कूटी की, ये स्कूटी। तो आपको सामने से ऑफर आए एड्स के? सामने से मतलब मैं गया था, ऑफ कोर्स प्रोडक्शन हाउस, ऑडिशन चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल उस जमाने में ऐसा होता था ना कि आपका एक दोस्त हुआ करता था, वो बोलता था कि भाई ये देख, ये लंबी चौड़ी लिस्ट है ये सारे कोऑर्डिनेटर्स की, ठीक है, इन सबको फोन कर ले, सबसे बात कर ले, जहाँ पे भी ऑडिशन चल रहा होगा वो तुझे बता देंगे, तू जाके ऑडिशन दे दियो। तो ये कौन से ईयर की बात है सर? ये मेरा ख्याल है 96-95, तो लैंडलाइन वाला फोन, पीसीओ वीसीओ लगे, हां लैंडलाइन वाला फोन, पेजर हुआ करता था, पेजर रखता था मैं, ताकि किसी को कांटेक्ट करना हो तो वे कॉल ऑन दिस नंबर, तो देन यू कैन कॉल बैक। तो वो सबसे बात करके उनको फोटो पहुंचा के, यहां और उन लोग का क्लियर होता था कि भैया देखो हमारी इतनी कमीशन होगी, बोला हां भाई तुम काम तुम्हारे थ्रू आएगा तो कमीशन तुम्हारा हक बनता है, ले लेना भाई हम कहा ना बोल, तो मैं तो आज तक जो भी मेरे को बोलता है उसको बोलता हूँ ले ले भाई तेरा कमीशन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ले ले, काम दिला रहे हो, क्या तूने मिलाया तूने किया तो तेरा हक बनता है, ले ले, क्या करेगा, क्या ले जाएगा। तो बस वैसे शुरू किया, ऑडिशन देने जाता था, फिर सिलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद में डेफिनेटली कॉलेज में थोड़े स्टेज पे एक दो, वो भी पहले वाले लोग ही बहुत बड़े गोभी घंटा लोग थे जो करते थे स्टेज पे प्ले ले और सब करते थे, तो मौका नहीं मिलता था, लेकिन एक कहीं किसी में मौका मिला तो पहली बार स्टेज पे चढ़ने का मतलब एक्सपीरियंस भी ले लिया कि भाई
स्टेज पे गया और पूरे स्टूडेंट को आपको ऐसे सामने देखना और फिर करना परफॉर्म करना, एक गाने पर परफॉर्म किया था, तो बड़ा अच्छा लगा एक्सपीरियंस। ऐसा लगा यार अरे हाँ यार ये तो यार नशा है यार, अलग नशा है, ये कमाल है। फिर कॉलेज खत्म करके जैसे कि मेरे बाबा ने सोचा था कि जरूर कुछ ना कुछ अभी करेगा नौकरी वोकरी और 9 to 5, 9 to 6 वाली जॉब में होगा और 10-12 हजार 15 हजार तो ले आएगा। ग्रेजुएट था, बीकॉम ग्रेजुएट था, तो वैसा नहीं करके मैंने थिएटर किया। कॉलेज खत्म करने के बाद थिएटर किया, तो थिएटर में क्या है यार, मतलब अभी भी कुछ नहीं मिलता है। कभी भी कुछ नहीं मिलता था, अभी भी कुछ नहीं मिलता है थिएटर में, कुछ है नहीं, मतलब यार इट्स फॉर योर ओन लव, फॉर योर ओन यू नो, फॉर योर ओन क्राफ्ट, यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। थिएटर ऐसा सोच के करना चाहिए, थिएटर में तो ऐसा जो सोच के जाएगा कि मैं थिएटर से अपना पूरा कमाऊंगा, पैसे है नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि बॉम्बे ही देख लो, दिल्ली में फिर भी हिंदी प्लेज और उधर लोग देखने जाते हैं, लोग पसंद करते हैं। बॉम्बे में हिंदी ज्यादा नहीं, गुजराती मराठी जितना चलते हैं और इंग्लिश जितना चलता है उतना हिंदी को इतना कोई पूछता नहीं चलता। हाँ मतलब है मगर उतने लोग नहीं है जो यू नो देखने आए अप्रिशिएट करें। जैसे फॉर एग्जांपल पृथ्वी, पृथ्वी में होता है तो उसकी एक नीश ऑडियंस है, वो जाके देखो प्लेस देखते हैं, वो भी इंग्लिश प्रेफर करते हैं, वो भी इंग्लिश भी प्रेफर करते हैं, लेकिन हिंदी भी कोई यू नो जैसे नसीर साहब का हुआ, या तो नोन नेम हो या तो कोई नोन नेम हो, मकरन जी का हुआ, तो वो जाके देखते हैं, उनको हाउसफुल मिलता है। तो यही है, तो वही उस टाइम पे भी मैं बोलूंगा मैं यू नो मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, क्योंकि ला तो मैं कुछ रहा था नहीं, इनफैक्ट कन्वेंस रोज लेता था मैं, उसमें पैसे मिलते नहीं थे, पापा कुछ बोलते नहीं थे। नहीं वो लोग, वो लोग का सिंपल ये था कि तूने अपने आप को कुछ टाइम दे रखा है कि तू कब तक करेगा, क्योंकि इसमें तू तू तुमको जिंदगी तो नहीं बना सकता उनके लिए। हाँ उनके लिए ऐसा था कि यू नो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि तुम लोग अभी यू नो यू आर जवान हो, तुम लोग अभी बहुत कुछ कर सकते हो, ये टाइम निकल गया तो फिर बाद में वो वापस नहीं आएगा कभी। यू हैव टू डिसाइड क्या करना चाहते हो लाइफ में, वो करना है तो ठीक है अच्छा है करो कोई बात नहीं, लेकिन यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम टाइम, यू कैन नॉट बी पड़े रहे 10-12 साल, तो 10-12 साल गए मतलब वो लौट के नहीं आए। मतलब हाँ मैं ऐसा सोचा है मैंने, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है ये थिएटर ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि यू नो कि कुछ मिलेगा ही नहीं, पैसे सोचिए मत, पर उससे मुझे बहुत कुछ मिलेगा ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मेरे क्राफ्ट को जो चाहिए वो इधर थिएटर मुझे वो कॉन्फिडेंस भी देगा और मुझे वो क्राफ्ट के ऊपर मेरे को वो कमांड देगा कि यू नो मुझे कुछ करना हो तो मैं अटकूंगा नहीं, आई विल नॉट बी कि मैं किधर हूँ क्या हूँ मैं क्या करूँ कैसे करूँगा इसमें क्या करना चाहिए नहीं। एक तो क्या है लोगों को फेस, कैमरा तो चलो हम फेस कर लेते हैं, हमें पता है कैमरा कट भी बोल देगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो कट करके दूसरा शॉट भी दे सकते हैं, लेकिन लाइव ऑडियंस को फेस करना और उसमें आपको आदत हो जाती है, हाँ उसमें आपको आदत हो जाती है कि आपका जो टेक हो वो सिर्फ एक ही टेक हो और फर्स्ट टेक ओके हो, थिएटर वो है, तो गुंजाइश ही नहीं है ना क्या कट, नहीं वापस से लेता हूँ, वो एक ही टेक मिलता है, तो उससे आपको यू नो आदत पड़ जाती है और आपको वो मिलता है जो किसी को अंदाजा भी नहीं है कि यू नो आपको उस कैरेक्टर में रहना है, वो 2 घंटे जो प्ले चलता है तो वो आपको धीरे धीरे तैयार करता है उस चीज के लिए, आपके हाथ से छूटेगा नहीं कैरेक्टर और आपको इंस्टेंट उसका रिएक्शन है, आपके किसी पंच पे ऑडियंस हंसी तो इसका मतलब यू आर गोइंग ऑन द राइट लाइन, कभी कभी उसी पंच पे ऑडियंस नहीं हंसती तो आपको पता चल जाता है कि ये आपने कुछ तो गड़बड़ किया है, टाइमिंग कहीं मिस हुई है या आपने यू नो वो तरीके से बोला नहीं जैसे लास्ट टाइम लिए थे, ये सामने वाले ने उस तरह से दिया नहीं आपको तो आपका आया नहीं, तो ये ऑन द स्पॉट सीखने मिलता है। ये था मतलब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, ये करते करते फिर उसके बाद मैंने एड्स के ऑडिशन पे जाता था, जो मिला कर लेता था, जो नहीं मिला ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत प्रेशराइज नहीं कर लेता अपने आप को। हाँ मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका था, पहले हम जाते थे तो मुझे दिखते थे 5-10 लोग और बाद में धीरे धीरे मैं जाने लगा तो यू नो 100-100 लोगों की लाइन लगी रहती थी कि यू नो सब लोगों को पता चल जाता, फेमस स्टूडियो बहुत फेमस था, नाम सब फेमस था,
हाँ फेमस नाम है और फेमस स्टूडियो बहुत फेमस था, तो वहाँ हर दूसरे उसमें ऑडिशन चलती रहती थी। मतलब अगर एक बार आप किसी कोऑर्डिनेटर ने आपको उधर भेज दिया तो आप ये सोच लीजिए कि आप उधर ही ऊपर नीचे किसी भी फ्लोर पे दो तीन जगह और अपना ऑडिशन देके आ सकते हैं ऐसे अपने बलबूते पे कि भैया मेरे को सुनाई दिया कि इधर चल रहा है, कैन आई गिव एन ऑडिशन। बोलेंगे हाँ ठीक है ऑडिशन देके जाओ, क्या प्रॉब्लम। आप आए थे किसी और ऑडिशन के लिए, वो तो दे दिया, वो खत्म हो गया, आप दूसरे में भी गए, तीसरे में भी गए, एक शाम तक क्योंकि आप अभी बोरीवली से टाउन गए हो तो पूरा मतलब हाँ वो मतलब ये भी था कि वसूल करके आओ, जो भाड़ा जो है ना वसूल होना चाहिए। खाली गया और आया नहीं, काम किया ऑडिशन दिया और फिर उसके बाद ना आया, तो एक सेटिस्फेक्शन है कि भाई हाँ कुछ करके आया। फिर मैंने साइड बाय साइड थिएटर के साथ में साइड बाय साइड लकीली मुझे एडिटिंग करने का मौका मिला। अच्छा मुझे एडिटिंग पूछना चाहता हूँ, थिएटर किसके साथ कर रहे थे आप? मैं हमारा एक ग्रुप था जिसका नाम था अंकुर। अंकुर कौन चलाते थे? मोहन आजाद डायरेक्टर थे, डायरेक्टर हैं मतलब अभी भी, कर नहीं रहे थिएटर, बट तो उनका खुद का ग्रुप था और हम लोगों ने कॉमेडी प्लेस किए बहुत सारे, सब कुआरे हैं, सब गड़बड़ है, बहुत सारी कॉमेडी थी, तो मुझे यू नो मजा आया, वो कॉमेडी का थोड़ा मिल गया थोड़ा सा फ्लेवर। क्योंकि कॉमेडी लोगों को लगता है बहुत आसान है, बट कॉमेडी आसान नहीं है, क्योंकि कॉमेडी में टाइमिंग मिस हुई तो सब खत्म, टाइमिंग मिस सब खत्म, टाइमिंग का ही खेल है, वो टाइमिंग पे होना ही चाहिए। सामने वाले का आया और आपने सामने से उसको दिया, जिस तरीके से बोल के आप निकल गए तो लोगों को हंसते हंसते पागल लोटपोट हो जाना चाहिए कि भाई ये क्या बोल के गया सर। तो वो मजा आया। फिर मैंने जैसे कहा कि साथ में एडिटिंग करने का मौका मिला, मतलब मैं ऑपरेट नहीं करता था बट आई वॉज अ डायरेक्टर। मेरे पास एक एड आई जो शूट की हुई थी, 40 सेकेंडर थी, 1 मिनट की शूट की थी, उसको 40 सेकेंडर बनाना था, उसमें से 30 सेकेंडर बनाना था, उसमें से 20 सेकेंड। आप डायरेक्टर थे मतलब? मैं डायरेक्ट किया था, डायरेक्ट नहीं मतलब इन द सेंस किसी और ने किया था, बट आई वॉज एडिट टेलिंग द एडिटर कि यहाँ से यहाँ काट दे, यहाँ से यहाँ रख दे, इतना अपने वो मुद्दा ये है, ये रख दे बस। तो इट एज गुड एज एडिटर डायरेक्टर बिकॉज किसी और ने किया है, लेकिन वो किसी कारणवश वो उसकी टीम या वो नहीं आ पा रहे थे, नहीं कर रहे थे, तो हमारे पास आया, हमारे पास आया, तो हमने बैठ के मैंने बोला वेरी गुड जी है तो क्या है ये, अच्छा 1 मिनट का है ना, एक काम कर 40 सेकेंडर करना है ना, दिखा पहले स्टार्टिंग से, अच्छा एक काम कर ये स्टार्टिंग वाला ये शॉट तो जरूरी है, जरा एडिट कर, तो उसके बाद में ये लास्ट वाला ये चंक एडिट कर और ये एडिट कर, देखो अभी जरा 40 सेकेंड में अपनी 40 सेकेंड जरा देखो बराबर एड में अपना जो मेन आइडिया है, जो कंटेंट है वो मिल रहा है ना हमें, हाँ ये हो गया 40 सेकेंड है, अभी 30 सेकेंड है, 20 सेकेंड है, तो उसी में से 10 सेकेंड है। उसके बाद में उसको अलग लैंग्वेजेस में डब कराना था, तो वो भी मैंने करवाया, कि सब आते थे डबिंग आर्टिस्ट और एक इंटरप्रेटर को बिठाया जो डबिंग आर्टिस्ट लेके आता था, मैं बोला देख भाई ये मद्रासी में बराबर बोल रहा है कि नहीं, इसका ग्रामर व्रामर चेक कर, एक्सप्रेशन में देख लूंगा जो बोल रहा है जिस हिसाब से, पर वो ग्रामर तू चेक कर। हिंदी इंग्लिश गुजराती मराठी ये चार तो थोड़े बहुत मेरे नॉलेज है, तो मैं ये तो मैंने खुद ही सुन के और करके उसको ठीक करा के मैंने बोला ओके ओके, बाकी जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस थे जिसका हमें मतलब आइडिया ही नहीं था, वो बाजू में बिठा के उससे करा के वैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया। वो ही करते करते मैंने टीवी देखा, मुझे करनी फिल्म सी थी, क्योंकि क्या होता है कि जब आप यू नो सोचते हो कुछ, उस टाइम में ऐसे ही था जैसे अब मैं सबब का था, तो वहां मुझे लोग देख के यही बोलते थे तू यार हीरो ही बन, तू हीरो है, स्मार्ट है, हीरो बन, तो दिमाग में वही था, हाँ दिमाग में वही था कि फिल्म ही करेंगे, सोचेंगे कि टीवी करेंगे कब। टीवी देखा तो देखा कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कुछ जिन लोगों को अच्छे आर्टिस्ट जिन लोगों को बहुत अच्छे रोल मिले थे मजा नहीं आ रहा था यार, मतलब लग रहा इतना कुछ कर सकते हैं लेकिन कर क्यों नहीं रहे। तो सेटअप तो वही है जो फिल्मों में होता है, वही कैमरा है, वही ट्रैक्टोली है, वही सामान है, मतलब सामान का भी इतना वो नहीं था नॉलेज, लेकिन ये था कि क्या है, क्या वजह क्या है कि वो इतना आसान कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, वो अब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ जाके ऐसा कर सकता था। मैं बोला यार मैं जाके खुद एक्सपीरियंस करके देखता हूँ ये एक्चुअली है क्या चीज,
क्यों ऐसा होता है। फिर मैंने टीवी के लिए ऑडिशन देना स्टार्ट किया, तो वो भी इजी नहीं रहा, मतलब ऐसा तो था नहीं कोई हमारा, मतलब था कि यू नो गॉडफादर था जो हमें यू नो सिल्वर स्पून पे रख के देगा, वाह भाई तेरे लिए रेडी रखा है, आजा चल तू ये करेगा, तू आज से ये फिल्म में हीरो, ये आ नहीं कोई नहीं था, तो वापस जीरो से उसके लिए भी स्ट्रगल किया, उसके लिए भी मतलब बसों में ट्रेवल करना, यू नो बस का स्टॉप नहीं होता था उस जगह पे, तो बस का स्टॉप थोड़ा आगे होता था, तो स्लो होती ना कभी कभी बस, थोड़ी सी स्लो होती है गड्ढा विड्ढा या वो, तो चलती बस में उतर जाना गली के सामने ताकि कम चलना पड़े, यू नो, और फिर चल के जाना क्योंकि धूप में चल के जाओ वहां पहुंचो तो पसीना पसीने में कैसे ऑडिशन दोगे, तो यू हैव टू लुक फ्रेश। अब तो बच्चे वहां पे क्या करते हैं, मॉल वॉल चले जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, वापस ठीक करते हैं, फिर निकल जाते हैं, वही है ना, तो इजी हो गया, मॉल भी आए नहीं थे ना इतने, और कुछ था नहीं आसपास, तो ऐसे ही करते थे भाई, उतर जाते थे स्टॉप के पहले, चलती बस में उतर जाते थे टक 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 करके, और फिर ऑफिस के सामने आराम से बाहर ठीक हुए गए, ऑडिशन दिया, ऑडिशन के बाद में पता चला कि भाई ठीक है आपको बुलाया जाएगा। फिर एक दिन मुझे पता चला कि एक जगह पे ऑडिशन चल रहा है घर एक मंदिर शो के लिए, तो मैं चला गया तो बहुत लाइन, बहुत सारे लोग, और एक टाइम था, बोला कि भाई ये टाइम के बाद में अभी लड़कों का चल रहा है, ये टाइम के बाद में लड़कों का बंद हो जाए और सिर्फ लड़कियों का होगा, फिर लड़कियों का खत्म हो जाएगा, जितनी सारी लड़कियां हैं सब देके खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर लड़कों पे आएंगे, नहीं तो फिनिश खत्म हो गया, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। मैं बोला ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात है, एक तो मेरे पहले इतने सारे लोग आए हैं और फिर टाइम का भी कांस्टेंट है, बोल रहा है कि भैया लड़कियों का होगा अभी, तो वैसे ही बातें करते करते घुस गया मैं, एडी से बात करने लग गया। मैं बोला भाई क्या ये ऐसे तुम लोग ऐसे बंद कर दोगे तो ऑडिशन कैसे देंगे यार, मतलब बहुत सारे डिजर्विंग लोग हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ, तो मुझे भी देना है ऑडिशन। उधर देख भाई आए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें से आधे लोग यही है तू पहले वाले, समझा, वो देख के करने वाले लोग है। तू रेडी है? मतलब हाँ मैं रेडी हूँ। वो माइक दादा आ रहे हैं माइक लगाने, आगे जाके खड़ा हो जा, अगर उसने तेरे को माइक लगा दिया तो कोई माइकल लाल तेरे को आप ऑडिशन देने से रोक नहीं सकता क्योंकि तू माइक तो गए। बोला ऐसा है क्या, पहले बोलना चाहिए, इसमें तो अपन नंबर वन है यार, बड़े बड़े है। मैं बोला क्या रेडी है? हाँ रेडी है, जाएगा अभी? हाँ मिला है, खाओ ना इसके लिए जाने के लिए। मैं बोला लेकिन अभी क्या बता, अगर थोड़ा सा भी डाउट है मेरे को बता दो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं तो चला जाऊं भाई। बोला नहीं हम लोग रेडी रेडी रेडी, ऐसे बात बात करते करते वो माइक वाला आया, लगा दिया ऐसे कर, रेडी हाँ बेचारा अपना काम कर रहा, लगा दिया उसमें, सब मुझे देख रहे, अभी साला बीच में घुस गया, अरे तू दूसरे को जाने देना, करने दे उसको, करने दे, पहला है उसका, वही करेगा, करके निकल जाएगा, अपने लिए अच्छा होगा, अपन भी देखेंगे, जो ये गलती करेगा अपन वो नहीं करेंगे। गया मैंने ऑडिशन दिया तो ये जो जितने भी सब खड़े थे जिन्होंने ऐसा बहुत तक ऐसा वैसा या सोचा होगा ऐसा वैसा, सबने ताली बजाई। वाह मतलब अच्छा गया, लोगों ने ताली बजाई तो मतलब अच्छा तो जो डायरेक्ट करने वाला था वो भी था उधर, बोला तेरे डेट्स वेट्स है ना? मैं बोला हाँ सर डेट्स वेट्स है। बोले तू सुबह से आया था क्या? बोला नहीं सर मैं आया तो मेरे को जो टाइम पे बोला था मैं उसी टाइम पे आया, लेकिन इतनी गर्दी थी और मैंने सुना आप अभी एक घंटे में बंद कर दो सब लड़कियों का, तो तू बीच में घुस के माइक तूने लगा दिया। मैं बोला सर मेरे को ऐसा बोला गया, जिसको माइक लग गया उसका उसकी बारी पहले, तो मैं घुस गया सर। वेरी गुड वेरी गुड, पता चलता है कितना है देने का जरूरी, ये सब लोग ऐसे ही है, तू पहले कर रहे, खड़े सब है, मगर तब जब बारी आ गई तो सडनली उनको ऐसा लगता है, वो डर होता है ना, डर होता है, एंग्जायटी डर कि सब देख रहे हैं। तभी नहीं था जैसे आजकल करते हैं कि आपको एक कमरे में ले जाते हैं, वो ऑडिशन होता है ताकि दूसरा नहीं देख सकते, ये तो खुला मैदान था भाई, जैसा मैच चलती है ना बॉक्सिंग की, सब तो देख रहे, ऐसा मैदान था कि भाई जाओ दो,
अब पहले ने जो गलती की आप अगर देख रहे हो तो आप सुधार सकते हो ना। हाँ, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा जैसे कास्टिंग डायरेक्टर ने बोल दिया कि ये आपने गलत कर दिया, तो उसको पता चल गया कि ये नहीं करना है मेरे को। कास्टिंग डायरेक्टर था ही नहीं उस टाइम। अच्छा, तो ले कौन था? कास्टिंग डायरेक्टर स्टार्ट ही नहीं हुए थे भाई, वो अलग कुछ था ही नहीं, ये प्रोडक्शन हाउस वाले लोग ले रहे थे और डायरेक्टर और डायरेक्शन प्रोडक्शन वाले लोग थे, प्रोडक्शन वाले और डायरेक्टर और डायरेक्टर की टीम थी। अच्छा, डायरेक्टर डायरेक्टर खुद ही ले रहा करने वाले ना कल इस कैरेक्टर का वो थी कि भैया कल परसों से शूटिंग है। अच्छा। तो हमें भी मालूम होना चाहिए क्योंकि उनको दिया गया था कि यू सिलेक्ट वन गुड आर्टिस्ट गो फॉर दिस आर्ट फर्स्ट क्लास। उसने बोल दिया मेरे को भाई तू अपना डेट वेट क्लियर रखना। डायरेक्टर ने बोला मेरे बहुत अच्छा लगा था ऑडिशन, तू ही करेगा टेंशन मत ले, फोन वोन आएगा इन ये पर्सन का फोन आएगा, तू बात कर लेना जो भी है तुम्हारा, जो भी आपस में जो भी है कमर्शियल्स तुम लोग बात कर लेना, हम उसमें पढ़ना नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा तेरा, मैं पर्सनली भी वोट डालूंगा कि मुझे ये सूट किया इस रोल के लिए, यही लड़का सूट किया, मतलब थैंक यू सर, थैंक यू सो मच करके मैं चला गया। फोन आया मुझे, फिर उन्होंने बोला कि ये अभी जो हमारे सामने जो है, मतलब ये है हमारे सामने 2-3 दिन का ही है, तो तू देख ले तू क्या सोच रहा है। मैं बोला सर मेरे को काम करना है, ये काम करते ना काम करके दिखा देते हैं, हो सकता है कि उसके बाद में लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि कर सकता है, पहले तो काम करके दिखा दे। बोला ठीक, कमर्शियल्स की बात तो बहुत ही कम में हुआ, मैं बोला ठीक है चलो कोई बात करते हैं, क्योंकि गरु मंदिर ऑलरेडी चल रहा था, बहुत फेमस शो था, दोपहर में सब लोग देखते थे, उसकी म्यूजिक सब जगह गूंजती थी, हम लोग मुझे याद है मैं अपने घर से सीढ़ियां उतरता था तो उसकी म्यूजिक चलती रहती थी हर घर में। तो आपको पर डे के हिसाब से मिला होगा बेसिकली पैसा, तो पर डे ही था, और मतलब बहुत कम था, मतलब मुझे लगता है आज के टाइम में भी जो न्यू कमर आता होगा उसको भी स्टार्ट करते होंगे तो उससे ज्यादा ऐसे स्टार्ट करते होंगे जिसको एक्सपीरियंस। कितना कम था? बहुत कम था, तो जाने दो बजाने दो जाने दो जाने दो यार कोई बात नहीं, पर वो ऐसा था कि ठीक है यार मेरा काम बात करेगा, मैं अपने काम से प्रूव करूंगा। पहले उसमें नहीं मिलता पैसा, जैसे बहुत सारे एक्टर्स को गलतफहमी होती है दूसरे शहरों में, देखता हूँ यहाँ पे बच्चे बात करते हैं उनको लगता है मुंबई जाएंगे रेड कार्पेट बिछा होगा पहले आपको 10 करोड़ का चेक दे देंगे कि आइए एक्टिंग करिए, ऐसा नहीं होता है, कई बार तो फ्री में काम करना पड़ता है। मतलब आपको दिखाना पड़ता है ना कि आप हाँ क्या कर सकते हो, और क्या होता है ना लोग ये नहीं समझते कि पहला दूसरा अगर आप, बहुत लोगों की मजबूरी होती है यार, क्या होता है ना कि उनके पास पैसे नहीं होते, अब उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये पहला काम करूँ और ये फ्री में करूँ तो मैं खाऊंगा क्या, रेंट क्या दूंगा, उससे उधार लिया उसको देना, उससे उधार लिया उसको देना, इसीलिए लोग उस कश्मकश में ना नहीं करते। मेरे साथ तछूट ये था कि मेरे पास घर था घर था इधर, कोई टेंशन नहीं थी रेंट वेंट देने का, कोई दिमाग में कोई टेंशन नहीं था, तो मैंने बोला ठीक है यार वो बात नहीं मैं करता हूँ। लोग ये नहीं समझते कि आप जब किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हो तो ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हो और किस तरह से आप अपने रिलेशंस बनाते हो, क्योंकि वो एक बार जो काम करता है अगर आपने सब कुछ सही तरीके से किया, जैसे हमने जब शुरुआत की तो आपने बताया कि इंटरव्यू में जैसे मेकअप वाले खुश हो रहे थे, सारे लोग खुश हो रहे थे, अब क्या होता है कि यही सारे लोग है जो काम करते सब जगह, कहीं बैठा होगा वो मेरा नाम निकला तो बोले सर हाँ सर के साथ तो काम करना, ये लो सर उनको आँख बंद करके साइन करो, आग बंद करके उनको साइन करो, मजा आ जाएगा सर वो काम करके अपना निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा वो आए थे काम किया, हमने आज काम किया वो भी नहीं पता चलता, इतना मजा आता उनके साथ। तो प्रोड्यूसर भी बोलेगा जब मेरी टीम खुश है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, और टीम वाले बोल रहे हैं कि भाई स्कूल लो तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो वो बनता है। तो इसीलिए जो पहला दूसरा काम मिलता है ना रिलेशन बनाने के लिए करो, काम दिखाने के लिए करो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, और अपना डेडिकेशन अपना पैशन दिखा। मेरे लिए यही था वो डायरेक्टर मेरे ख्याल इसलिए सबसे ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसने देखा कि ये अपनी बारी नहीं थी, उसके पहले आके माइक लगा के खड़ा हो गया, वो उससे इंप्रेस हो गया कि इसको है वो जुनून, ऐसा कोई चाहिए जो साला मतलब लोग इधर कर रहे हैं कि भाई डालेगा डालेगा सलीके में डालेगा ये डाल के आ भी गया मेरे साथ, कोई डर नहीं है करना है करके दिखाना है, जिसको करके दिखाना होता है वो रुकता नहीं और रुकना नहीं चाहिए। आपको एक मौका मिला ना तो उसको बस पकड़ लो, जाने मत दो, पूरी जी जान लगा दो, उसके बाद में नसीब, आपने तो दिया ना सब कुछ अपना, उसके बाद में
छोड़ दो, भैया होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो बहुत तो भी मत, वो भगवान की इच्छा है, अच्छा मतलब दूसरा कुछ अच्छा आएगा, कोई बात कोई दिक्कत। तो वही घर एक मंदिर से सफर शुरू हुआ, उसके बाद में देन वाज नो लुकिंग बैक। फिर अच्छा पहला दिन बताइए मुझे, घर एक मंदिर में जो पहला दिन शूट पहुंचे थे, अरे बहुत अच्छा, तो आप ऐड तो कर चुके थे पहले, पर टीवी का पहला, हां नहीं ऐड कर चुका था, लेकिन फिर भी क्या है ना कि एक कॉन्फिडेंस अलग बात होती है और ओवर कॉन्फिडेंस अलग बात होती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, तो वो जो अंदर जो चलता रहता है ना, वो धक धक और वो नर्वसनेस और वो एंशियसनेस और वो बटरफ्लाइज, वो जिस दिन मर गए ना तो समझ जाना कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, वो होना ही चाहिए। मेरा पहला शॉट था, पहला सीन था राम कपूर के साथ, राम ऑलरेडी मतलब स्टार था, मतलब बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन चुका था, और मैं उसका दोस्त बन के एंटर हुआ था, और मेरा पहला सीन उसके साथ था। सीन मैंने खत्म किया और मैंने राम से पूछा, राम कैसा था, राम ने बोला देख भाई पहली बार के हिसाब से और तेरा पहला दिन है उस हिसाब से तो यू आर टू गुड। मैं बोला यार थैंक यू, मतलब राइट ट्रैक, थैंक यू वेरी मच। उसने मतलब हौसला अफजाई की, ऐसा नहीं किया कि यू नो कि भाई गलत ये वो या जो भी मोटिवेट ही किया, उसने मोटिवेट ठीक किया, डीमोटिवेट नहीं किया। एंड उसके बाद वो मॉनसून वेडिंग की शूटिंग कर रहा था एक बार, और मैं तब कुटुंब कर रहा था, तो मुझे मिला फिल्म सिटी में, दोनों मिले तो मिला, अरे तेरे को मैंने पहले दिन ही बोला था टू गुड यार, तो अभी तो मतलब स्टार हो गया तू। नहीं स्टार मतलब नहीं, बट हाँ मेहनत की है और सोचा नहीं था कभी यहाँ तक पहुंचूंगा, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड थैंक यू सो मच, तूने भी हेल्प किया, मुझे याद है तूने मुझे पहले दिन क्या बोला था, अभी तक याद है, मैं जिंदगी भर याद रखूंगा कि तूने मुझे डेफिनेटली मतलब मुझे मोटिवेट ही किया था। तो मेरा कहना यही है, सारे न्यू कमर्स भी जो या जो भी अभी स्टार्स बन गए हैं, कोई भी आता है ना आर्टिस्ट आपके सामने, तो उसको डीमोटिवेट मत करो, उसको मोटिवेट करो, क्या पता आगे चल के अगर उसकी जिंदगी और किस्मत ने अच्छा साथ दिया तो बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा, और वो ये बात जरूर याद रखेगा अगर उसमें मतलब है थोड़ा सा, अगर वो इंसान ही थोड़ा 19-20 है तो वो भूल जाते हैं लोग के चरण में क्या है, हाँ सब, बट मेरे जैसा आदमी 100% याद रखेगा कि मेरे को पहले दिन किसने क्या बोला था, मेरे साथ क्या हुआ था। True. And it helps. It is a big step of guiding step for any artist, for any actor. कि भैया आपने जो किया बहुत अच्छा किया। मेरे साथ इतने लोग काम करते हैं, जब भी जिस सेट पे भी जाता हूँ तो बहुत सारे न्यू कमर्स होते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने पहली बार कर रहे हैं या जिन्होंने जिन्होंने पहली बार काम किया है ऐसा बड़े आर्टिस्ट और सारे इतने बड़े ग्रुप के साथ, डेफिनेटली मेरे से बैठते हैं तो मैं बैठ के उन्हें यही बताता हूँ कि देख यार मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत करो और अपने क्राफ्ट के ऊपर काम करते रहो, कभी ये मत सोचना कि मैं तो ये कर रहा हूँ तो मुझे क्या जरूरत है ये सब प्रैक्टिस करने की, मैं बन गया स्टार, नहीं भाई मैं आज तक रोज रियाज करता हूँ, रोज प्रैक्टिस करता हूँ अपने क्राफ्ट के लिए, तो आपको करना पड़ेगा और जिंदगी भर करते रहना। और सबसे बड़ी बात याद रखना कि ना एक अच्छे इंसान बनो, बाकी सब तो होता है, होता रहता है, मतलब जितने भी लोग हैं ना ये कैमरा के पीछे, हम लोग बन जाने के बाद में, हम लोग स्टार बन जाने के बाद में, हम लोग इन लोगों को कोई पूछता तक नहीं, इनको कोई देखता तक नहीं, इनको पूछो, इनके साथ बैठो, इनके साथ बातचीत करो, किसी को भी बेटा के साथ में यू नो बात करो, कैसे चल रहा है घर में, सब ठीक है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, अच्छा अच्छा बेटी की शादी हो गई, सब बहुत अकेले हैं बिजी फिल्म लाइन में ना, ये सब बाहर से आए हुए हैं, और दूसरा क्या है उनसे कोई बात नहीं करता है, कोई बात नहीं सब काम से मतलब रखते हैं, और आप स्टार हो ना तो आपसे बात करने में घबराते भी हैं, अरे इन्होंने घबराते भी हैं, वो जो हाँ वो जो वॉल है ना उसको हमें ही तोड़ना पड़ेगा और हमें ही उनको लेना पड़ेगा, तू आना बैठना, उसके बाद मजा ले कि वो आदमी भूल जाए कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत, आपके पास अपना स्टाफ जरूर होगा, मेरे पास मेरा स्टाफ होता है कुछ भी देने करने के लिए, ख्याल रखने के लिए, चाय पानी के, लेकिन अपना स्टाफ का भी ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन उसका ध्यान रहता है, सर आपको लेके आऊँ ग्रीन टी, लेके आके लाता हूँ ना, लाता हूँ मैं, लाता
मैंने बोला भी नहीं, उसने खाली एक हमारा लुक एक्सचेंज हुआ, समझ गया कि यार मुझे चाय चाहिए शायद, तो मिला तो मिला, अरे है ना बेटा है मेरा बच्चा है उसको भेजता हूँ तेरे को, मैं यार सोया नहीं है रात को, उसको सोने दो मैं लेके आता हूँ। ये प्यार है, ये प्यार इनके है साथ वक्त बिताता हूँ, इनके साथ बैठता हूँ, इनकी बातें सुनता हूँ, इनके साथ मस्ती करता हूँ, इनके इनको अपने जैसा रखता हूँ, ठीक है बैठना कोई बात बैठ। मेरे सेट पे तो फेमस था मैं, जब टीवी में जब करने लगा टीवी बहुत करता था, मतलब टाइमिंग नहीं होता था तो लोग मुझे मेरे कमरे में ढूंढते थे, और जिसे पता होता था वो बाप बोलता था वो स्पॉट दादा के साथ वहां बैठे होंगे, उनके कमरे में जाओ उधर, कमरे में नहीं बैठते, उनको कमरा दिया है लेकिन वो बैठते उधर मस्ती उधर कर रहे होंगे, तो वहां के मुझे उधर, अरे सर आप इधर बैठे, और तू क्या राजू तू इनके साथ बैठा इनका शॉट है ना, तो अरे सर मैं तो सर को चाय पिला रहा हूँ ना यार, सर देख रहे हैं चाय, मैं बोला हाँ ये पसीने पसीने तो नहीं डालना मेरे चाय में, उनको भी पता है मस्ती कर रहा है देते हैं, अरे ऐसा है आपके में थोड़ी डालेंगे, तो मतलब किस में डालते हैं कभी गिर जाता है, तो मतलब ऐसा रहता है, मजा मस्ती करते रहते सब अपने जैसा, उसको लोगों को लगता है अपने जैसा बंदा है। इसके अलावा आपको भी समझना पड़ेगा कि आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस पे हो, तो आप जो 5 मिनट बिता के जाते हो ना सामने वाले के साथ, वो उसकी मेमोरी बन जाता है। जैसे मेरे साथ जो हुआ, जब मैं भी मुंबई में नया ही था, तो जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए वो आपको नहीं याद थे, मुझे याद थे कि आपने मेरे साथ कैसे बिहेव किया था। क्योंकि क्या है कि बात ये होती है ना कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं, लुक्स चेंज हो जाते हैं, तो यू नो वो एक आपके लिए कॉमन जेस्चर था वो। कुछ भी डिप्रेस्ड है, क्या मस्ती चल रही है, पॉजिटिविटी में आओ, पॉजिटिव बन जाओ, देखो मजा कुछ और है। मुझे याद है अंधेरी में मैं जा रहा था, तो एक दिन आप मुझे टहल तो जॉगिंग करते हुए, तो मैंने कहा हितेन सर आप मुझे पहचान नहीं पाए उस दिन भी। हाँ। आप मुझे कहते कि अरे कैसा है मैंने बढ़िया हूँ, 5 मिनट बात करने में मैंने बोला सर पहचाना नहीं यार मेरे को याद नहीं, मैंने कहा शोरगुल में था 5 मिनट मुझसे बात कर लिया आपने रोड पे। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि क्या है कि मैं और जैसे माय वाइफ नोज इज बेटर, बिकॉज मैं कहीं पे भी वो तो मुझे मिलते हैं लोग, मैं बात पूरी करता हूँ, अच्छे से बात पूरी कर लेता हूँ, मतलब उसको बिचारे को निराश नहीं करता या बिचारी को निराश नहीं करता कि तुम कौन, मैं पूरी बात कर रहा हूँ, सब ठीक फर्स्ट क्लास यार सब बढ़िया कैसे हो सब ठीक है। हाँ जब वो चली जाती है और मेरी वाइफ बोलती है कि तूने मुझे मिलाया नहीं ना, तो मैं समझ गई कि तुझे भी याद नहीं है कौन है, नहीं याद है ना कौन है, कौन है पता नहीं, किस किन लोगों से मतलब पूछ लेता, जैसे अभी आपने पूछ लिया मेरे से कि आपने मुझे पहचाना, तो मैं अगर कोई पूछ लेता तो मैं बोलता नहीं यार वो हम लोग थोड़ा प्लीज मेरे को थोड़ा ले जाओ उस टाइम में, तो कलेक्ट एवरीथिंग कलेक्ट एवरीथिंग, क्योंकि वो है मेमोरी में कहीं बस उसके नहीं याद किसी को याद नहीं होता वो, ठीक है साल बीत जाते हैं और इतनी मेमोरीज बन जाती है ना उसके बाद धीरे 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 उसके ऊपर। मेरे साथ ही होता है किसी एंड में किसी स्पॉट वाले से मिल लिया, 3 साल बाद वो मिल रहा है सर पहचाना, मैं कैसे पहचानूंगा यार, नहीं तो वही, और लोग चेंज होते जाते हैं यार, मतलब शक्ल भी चेंज होती है, शक्ल चेंज होती है, रूप चेंज होता है, दाढ़ी मूंछ रख ली यार कैसे कोई पहचान लेगा, पतला था थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा मोटा था एकदम पतला हो गया, तो कैसा थोड़ा सा टाइम लगता है कि रजिस्टर करने में, बट वो पकड़ लेती मेरी वाइफ पकड़ लेती, अगर नहीं जाते ना क्योंकि नहीं तो मैं मिलाऊंगा ना किसी मिलो इनसे, हाँ तो मैं मिलाऊंगा इनका नाम दिया, ये ऐसा करते हैं वहां मिले थे ऐसा मिला ही नहीं चले गया, तो समझ जाती है पहचाना नहीं ना इसको तो फिर बात कैसे कर ले, तो 10 मिनट खड़े होके वो स्टाइल है, वो किसी को निराश नहीं करता यार, वो बड़े उम्मीद से मेरे से बात कर रहा है क्या बात कर रही है, यू नो थिंकिंग दैट वी आर गुड डिग्रीज, तो उसको क्यों दुखी करो। नहीं नहीं बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सो टीवी करते करते ये कभी नहीं लगा कि एक काम करता हूँ सिक्स पैक ऐप बना लेता हूँ और फिर फिल्मों में मैं फिर से ट्राई करता हूँ नेक्स्ट स्टेप सुशांत की तरह? क्या था ना कि मैं टीवी में इतना बिजी था ना बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मैं बहुत सारे सीरियल कर रहे थे, क्योंकि साथ में बहुत ही कर रहे थे, मैं 3-3 शो करता था एक साथ, तो मुझे फोन आते थे फिल्म के, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली मना कर देता था बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, मैं क्या टाइम दूंगा जब मैं
और वो आपसे डेडिकेटेड टाइम मांगेंगे कि 2 महीना हमको चाहिए बस आपका। हाँ, मतलब 15 दिन मेरे को एक साथ दो, 20 दिन मेरे को एक साथ दो, तो मैं नहीं छोड़ के नहीं दे सकता। लेकिन जब मुझे मौका मिला करने, तब मैंने करना शुरू किया। और मैंने तब ये देखा कि यू नो हर इंसान का सिक्स पैक होना जरूरी नहीं, आप कैसे कैरेक्टर करते हो उसके ऊपर। इफ यू आर अ सोल्जर देन आपको वो फिजिक चाहिए। ये तो बाद में चलन शुरू हुआ ना कि हर एक की सिक्स पैक हुआ, क्योंकि वो हर एक फिल्म में एक सीन ऐसा होता था जहाँ शॉट उतरती थी। अब इतना ज्यादा ये नहीं था कि यू नो यू शुड बी फिट इनफ टू शूट होल डे, यू शुड बी फिट इनफ टू डू ऑल योर स्टंट्स, दैट वाज द प्री रिक्वेस्ट। बाकी धीरे धीरे शुरू हुआ। फिर मैंने ये किया कि अब देखो क्या है कि अपनी बॉडी को आप सिक्स पैक बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं नहीं बना सकते, लेकिन यू नो यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट। सिक्स पैक के लिए जो मेहनत लगती है उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है, जो डूज और डोंट्स हो जाते हैं, जो आपको यू नो आप कार्ब्स खाना बंद करना पड़ेगा। मैं अभी एक कुछ शूट कर रहा था वेब सीरीज के लिए, तो मैंने एक फिल्म की थी उसमें एक लड़के से मिला था, उससे लड़का मुझे तो वेब सीरीज में मिला, तो ही वाज सेइंग 2 महीने से सर कार्ब्स नहीं खाया, फिजिक मस्त हो, सिक्स पैक सिक्स पैक निकला है एकदम, कट फिट सब मस्त। तो मैंने बोला यार डू यू मिस फूड, बोला हाँ क्या करूँ सर अभी, और अभी इधर शूटिंग पे आया हूँ तो यहाँ मैं वो नहीं खा सकता जो मैं यू नो घर पे कर सकता हूँ, जैसे सैलेड खा रहा हूँ, समोसा नहीं खा सकता रहा हूँ। मैं ये अंडे लेके आता हूँ, लेकिन मैं अंडे खाली अंडे खा के शूटिंग करूंगा 12 घंटा तो मैं गिर जाऊंगा, तो मेरे को अभी इधर कार्ब्स खाना पड़ रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब देख यही होता है, दिस इज व्हाट हैपेंस। एक एक्टर को एनर्जी पूरी चाहिए, एनर्जी तो हमें खाने से ही मिलती है। खाना छोड़ के बैठेंगे ना तो फेस पे भी दिखता है, आपका फेस मुरझाया लगता है, आपको मतलब यू फील डाउन, आप कितना भी कुछ कर लो। फिर आप बोल रहे हो, फिर मैंने बोला तो तू एनर्जी के लिए फिर कॉफी पीता होगा, बोला हाँ सर पूरा दिन कॉफी पीता रहता, ब्लैक कॉफी। मतलब वो कितना नुकसान करता तुझे आइडिया नहीं है। दो ब्लैक कॉफी, 3 ब्लैक कॉफी मैं समझ सकता हूँ, ठीक है आप समझ सकते। रात को नींद आनी बंद हो जाएगी और सब हो जाएगा। बोला हाँ सर, लेकिन अभी क्या है कि मैं एक रोल कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे प्रिपेयर होना है, तब कर रहा हूँ। मैं बोला ठीक है, सी दैट इज अंडरस्टूड, दैट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, देन यू हैव टू डू, अगर यू आर डूइंग अ रोल व्हिच मींस दैट फिजिक यू हैव टू डू। बोला हाँ सर, उन्होंने पूरा ट्रेनर वेनर रख के दिया है, उन्होंने पूरा स्पॉन्सर किया है, तो आई हैव टू डू। मैं बोला परफेक्ट, ये बहुत सही। मैं बोला उसमें ये है कि तेरे को मतलब ये 2 महीना कार्ब्स ही नहीं खाना। बोला 2 महीना क्या सर, अभी आगे तक जब तक फिल्म पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी कार्ब्स नहीं खाना। बोला तो ये है, डूज एंड डोज बहुत है, एंड इफ यू कैन डू दैट मुझे एक रोल मिलेगा जिसमें मुझे दिखाना है अपना, आई विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, आई विल वर्क टुवर्ड्स। पर तब तक तो खाने दो। हाँ तब तक मैं प्रॉपर खाऊंगा पीऊंगा तभी तो मेरे दिमाग में भी खाना जाएगा, तभी तो सब जाएगा, एंड I will be fit। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा हो गया कि वो बनाने के लिए मुझे फिर लगेंगे भाई बरस लग जाएंगे, ऐसा भी नहीं। 2 महीने में हम भी तैयार हो जाएंगे, 2-3 महीने लगता है। लेकिन वो 2 महीना तब जब मुझे किसी रोल के लिए, तो तभी तो आप देखोगे हॉलीवुड में मोटिवेशन भी आता है, एक्चुअली मोटिवेशन भी आता है, और तभी आप देखोगे हॉलीवुड में चेंज दिखता है आपको। एक ही एक्टर है लेकिन वो एक फिल्म में अलग लगता है, दूसरे फिल्म में अलग लगता है, तीसरे फिल्म में अलग लगता है, तो अपने को भी चैलेंज है। हमने इतने फिल्म में दिखा दिया, कहीं को भी हमने बॉडी नहीं दिखाई। एक फिल्म आई एक्शन मूवी, हमको बॉडी दिखानी, तो अब हम मेहनत करेंगे और उसमें खोलेंगे पूरा बॉडी दिखाएंगे, लोगों को वाह क्या लगा। सही है, एज एन एक्टर आई एम आल्सो गिविंग अ चेंज टू एवरीवन ना, टू थिंकिंग चेंज करने की, अरे यार इसकी बॉडी अच्छी है, लोगों ने देखी नहीं कभी इसकी बॉडी ऐसी, कभी सोचा नहीं साले को ऐसा। सर अब एक्टिंग तो आपने इतनी करी, डायरेक्शन के क्या प्लान है? उसके बाद में भी करूंगा ना, तो मैं प्रॉपरली यू नो अच्छे डायरेक्टर को असिस्ट करके, जबकि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आता या कुछ समझ, लेकिन प्रॉपर तरीके से करूंगा। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं किसी प्रोड्यूसर को बोलता हूँ या मेरे को प्रोड्यूसर साइन करता है कुछ करने के लिए, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं यू नो उसको वैल्यू फॉर मनी दूँ। क्योंकि प्रोड्यूसर का भी
अगर मैंने टाइम और मनी का वैल्यू किया तो ही तो वो मुझे बोलेगा कि यार तू एक्टर तो बढ़िया था, तू डायरेक्टर भी बढ़िया है, और तभी वो बोलेगा तुम यार मेरे साथ ही काम करोगे, मैं 10 पिक्चर बनाना चाहता हूँ आपके साथ, ये लो हीरो हीरोइन बता दूंगा, ये इसको साइन किया है, आगे बाकी आप देखिए। दैट इज हाउ यू बिल्ड योर बिल्ड ट्रस्ट एज एन एक्टर। जैसे लोगों को ट्रस्ट आया है मेरे ऊपर मेरा काम देख के, वैसे ही डायरेक्शन का काम देख के उन्हें आना चाहिए कि देख पा ये है, मतलब हैंपास वाला आदमी नहीं बोल रहा है, एक महीने में मतलब एक महीने में अपने को फिल्म कंप्लीट करके हाथ में दे देगा, खत्म। तो वो उसके लिए यू हैव टू डू योर होमवर्क वेल, एंड फॉर दैट जस्ट बिकॉज मैं कैमरा के सामने रहा इतने साल मैं तुरंत कुछ डायरेक्ट कर लूंगा, नहीं, मैं प्रॉपर तरीके से जाऊंगा, आई विल असिस्ट नॉन डायरेक्टर फॉर 2-3 years, या जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा यस अभी मैं जान गया हूँ खेल कैसा क्या। सर जो एक्टर लोग मुंबई से बाहर हैं, मुंबई कभी नहीं आए हैं, अपने घर बैठ के एक्टिंग सीख रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख रहे हैं, उनको कुछ एडवाइस देना चाहें मुंबई आके कैसे स्ट्रगल करें उस बारे में कुछ बताइए। सर वो मत बताइएगा कि हार्ड वर्क करो मैं टैलेंटेड रहो, वो सबको पता है, ऐसी कोई एडवाइस जो आपको लगता है कि इनको जानना चाहिए, जो बाहर से लोग आते हैं ना उनको पता होनी चाहिए ये चीज कि प्रैग्मेटिक कुछ। मेरे हिसाब से देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकल हो जाओ, प्रैक्टिकल इन अ वे यू सी लुक योरसेल्फ इन द मिरर एंड यू ओनली डिसाइड कि यू नो आप क्या, मतलब कैसे दिखते हो। बहुत लोगों को ये गलत फहमी होती है, मतलब इसमें कोई यू नो ये नहीं है, गलत बात नहीं बोल रहा हूँ या कुछ नहीं, आई एम जस्ट सीइंग बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, यू माइट बी अ फेस व्हिच इज गुड फॉर कैरेक्टर तो यू एक्सेप्ट दैट। You might be delusion में मत रहो, delusion में मत रहो कि you know, हाँ, जब देखो तकदीर पलटते देर नहीं लगते, नवाज भाई देख लो, बहुत सारे लोग देख लो, पहले पहले कैसे कैसे रोल किए, फिर उसके बाद में यू नो लोगों ने स्टोरी उनके ऊपर लिखनी स्टार्ट की, तो आप पहले ये सोच के आओ कि आप जो मिलेगा उसमें कुछ ऐसा करके दिखाओगे कि लोग मजबूर हो जाएंगे यार मेरी फिल्म का हीरो ये होगा, ऐसा ही दिखता है मेरी फिल्म का, कहानी इस आदमी की, बस जिस प्रैक्टिकल रहो। और इधर आके जब आप बॉम्बे में आ रहे हो तो ये मत सोचो कि यू नो मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, कोई भी रोल कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटा या बड़ा आपकी सोच होती है, आप छोटे से छोटे रोल में कुछ ऐसा कर सकते हो कि बैठा वाला इंसान बोले ये पीछे कौन था यार, वो कौन एक्टर है यार, उसका नाम निकालो, क्या किया है साले ने, कमाल कर दिया साला वो, मतलब आगे कोई और कर रहा है लेकिन पीछे जो उसने किया है भाई, मेरे को वो उसका नाम निकाल, उसको निकालो, उसका नंबर देखने वाले आज इतनी बारीकी से देख रहे हैं। तो हम थिएटर करते थे, थिएटर में हमारी यही सीख थी कि यू नो इट डजंट मैटर कि आपका रोल शुरू से लेकर एंड तक है, आप शुरू से लेकर एंड तक स्टेज पे, इट मैटर्स कि आप जितनी देर हो उसमें आपने क्या ऐसा किया कि लोग आपको याद रखें या क्या आपको देखना चाहें, ऐसे खाली एक एंट्री भी मिले ना कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं पीछे से कोई चल के गया, उस चल के जाने में भी लोगों को ऐसा होना चाहिए कौन था यार वो क्यों नहीं आया वापस, मिस कर वो वापस, हाँ वो क्यों नहीं आया वापस, और वो कौन है बैक स्टेज आके उससे मिलना चाहेंगे, जिस तरह से चल के गए हो पीछे से मतलब पागल हो गए, ये दोनों आगे क्या कर रहे थे हमें पता ही नहीं चला, खाली चल के गए, वही है एक्टर। और शिद्दत से काम करने में एक और फायदा होता है, जैसे मेरे एक जानने वाले डायरेक्टर साहब थे वो एक्टिंग करने लगे तो वो सेट पे गए तो उनको छोटा सा रोल मिला था और एक लीड एक्टर था, डायरेक्टर ने देखते देखते एक काम कर ये वाली लाइन तू ले ले, ये वाली लाइन तू ले ले, वो लीड हो गए, दूसरा जो लीड एक्टर था सेकेंडरी हो गया, सो इफ यू आर गुड ना इट योर क्राफ्ट सम टाइम्स द रोल गेट्स एक्सचेंज्ड एग्जैक्टली ऑन द स्पॉट यू नो बिकॉज दे सी कि भाई ये तो नहीं कर पा रहा है ये कर रहा है और ये अच्छा कर रहा है, अभी टाइम नहीं है ना किसी के पास, ऑन द स्पॉट डायरेक्टर बोले काम करो तुम ये करो और तुम अभी ऐसे करो करो, तो पता नहीं चलता है कैसे किस्मत, मैं वही बोल रहा हूँ किस्मत बदलते देर नहीं लगती, नहीं लगती। बात यह है कि आपको कोई रोल इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई यार मैं यार छोटा रोल कैसे कर लूं यार, पर वो रोल आपके लिए एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस तो लो, हाँ के सामने आओ देखो कैसा होता है, तरीका देखो जानो,
जानो आप उस कैरेक्टर में क्या क्या कर सकते हो, भले एक मिनट का है, भले आने जाने का रोल है, लेकिन उसमें आप अगर आपने अपनी स्टोरी बैक स्टोरी वर्क करके काम किया हुआ है तो आप बिल्कुल वो करोगे जो जैसा करके जाएगा, और जो देखने वाला वो देखेगा बोले बिल्कुल साला वो लग रहा है, कमाल है यार। वो एक्टर चाहिए जिसने काम किया हुआ, टाइम नहीं है किसी को वेस्ट करने वाला, उसको पता है वो करके चला जाएगा। और मुझे लगता है सर एक चीज लास्ट चीज बताना चाहता हूँ कि आपसे जो मैंने सीखा है वो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा जो एक्टिंग देख रहे हैं, वो ये है कि परफॉर्मेंस ऑन द कैमरा और ऑफ द कैमरा भी होती है। जो असिस्टेंट डायरेक्टर है आज वो कल डायरेक्टर ही बनेगा, तो आप सबसे बात करिए, जितने लोग हैं स्पॉट वाला भी आपको कहीं रिकमेंड कर सकता है, प्रोडक्शन वाले भी आपको कहीं रिकमेंड कर सकते हैं, डू नॉट बी कि कैमरे पर अच्छी परफॉर्मेंस की तो इधर आप अच्छी परफॉर्मेंस, लोगों से बात नहीं करोगे तो काम मिलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इफ यू आर गुड कंडक्ट योरसेल्फ द वे यू कैरी योरसेल्फ इज वेरी पर्सनालिटी वेरी इंपॉर्टेंट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि मतलब आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे हो लोगों के साथ, आप यू नो क्यों आपको कोई बार वापस रिपीट करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे एक्टर हो, नहीं सिर्फ इसलिए कि इसलिए भी कि आप एक अच्छे इंसान भी, आप मतलब आप सेट पे रहोगे तो लोगों को अच्छा लगता है, तो वो फीलिंग जो है वो बोले यार हमें कम से कम यार चलो भाई एक हमारे पास बड़ा एक्टर है वो आएगा जाएगा अपने टाइम से, पर ये रहेगा ना काम हो जाएगा। और सर मैंने बताऊं डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने बहुत डायरेक्टर साथ काम किया है, डायरेक्टर्स का ये होता है बहुत अच्छा एक्टर है पर सेट पे परेशान करेगा, थोड़ा सा कम अच्छा एक्टर है पर बहुत बढ़िया आदमी है, तो वो चूज करेंगे इस आदमी को, वो कहेंगे यार 30 दिन ना दिमाग खराब करेगा और परेशान कर देगा, सच्चा इस आदमी को ले लो ठीक है, वो उससे काम करवा लेंगे, दैट इज मच काम भी अपने हिसाब से काम भी करेगा और काम करके जाएगा भी। So thank you for your time sir, आपने मुझे एक घंटा दिया, I love talking to you and I always love talking to you, मैं मुंबई आता हूँ आपसे मिलता हूँ ठीक है, thank you पक्का इस बार मैं जरूर पहचानूंगा। चलिए bye bye thank you take care god bless।